लोकसभा चुनाव 2019 पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। सरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय के सभागार में रविवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा गोरखपुर क्षेत्र की बैठक आयोजन हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि भारत एक जीवित जागृत राष्ट्र है, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं। जो संगठन समाज व राष्ट्र हित में कार्य करता है, ईश्वर उसकी मदद करता है। भाजपा से देश की भावना जुड़ी है, भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में चिंतन करना होगा। उन्होंने कहा कि पिछड़े वंचित गरीब के सपने को भाजपा सरकार पूरा कर रही है। सरकार की प्राथमिकता गरीब है। सरकार ने गरीबों के लिए आवास, बिजली, चिकित्सा और शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर अपनी प्राथमिकता दिखाते हुए अभूतपूर्व कार्य के द्वारा विकास किया है। बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह, प्रदेश मंत्री कामेश्वर सिंह, सांसद रविन्द्र कुशवाहा, विधायक फागू चौहान, डॉक्टर सतीश द्विवेदी, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, महेंद्र पाल सिंह, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन और माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल गोरखपुर क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ताओं ने निष्ठा और समर्पण के भाव से एक दोहरी भूमिका थी। गोरखपुर रुकने की, ठहरने की, उनको ले आने ले जाने की पूरी पूरी चिंता करना और उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री सम्मान निधि की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर से की, ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके दृष्टि से यह महत्वपूर्ण बैठक है और उसी की योजना रचना हम सब अभी जिस समय खड़े हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, कुछ ही घंटों के बाद चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। लगातार 5 वर्षों से हम सब ने जो अथक परिश्रम किया है उसके परिणाम का समय आया और इसलिए मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए कि जो उन्होंने कहा था कि भारत एक जीवित जागृत राष्ट्र है, ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है और महाभारत के उस श्लोक में, गीता के श्लोक में जब जिस अधिष्ठान की चर्चा योगेश्वर कृष्ण ने की थी, ये सदियों से इतिहास में है कि जो व्यक्ति, जो समाज, जो संस्था, जो पार्टी, जो संगठन अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के लिए काम करता है, वो समाज, वो पार्टी, वो संगठन, वो बहुत दिनों तक जीवंत रहता है और ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। और इसलिए जो गीता में जो महत्वपूर्ण श्लोक योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अधिष्ठान तथा कर्ता करणम च पृथगदम विविदास च प्रत्यष्ठा दैवं चैवात पंचमं, उन्होंने योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, जो जिसके पास अधिष्ठान है, काम करने वाला व्यक्ति है, कार्य होने के पर्याप्त कारण है, जो समाज और राष्ट्र के हित में काम करता है, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर भी मदद करता है। और जिस प्रकार के विचारधारा, मूल्यों, आदर्शों को लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बलिदान किया, जिस उद्देश्य को लेकर के, उसी को आगे बढ़ाकर के भारतीय जनता पार्टी उन्हीं अधिष्ठान को लेकर काम कर रही है, तो निश्चित रूप से चाहे जितने भी इस समर में अन्याय और अत्याचारी चाहे कितना भी ताकतवर हो, मजबूत हो, चाहे कितना बड़ा संगठन खड़ा कर ले, चाहे कितने लोगों का समूह बना ले, लेकिन आखिर में अन्याय अत्याचारी की पराजय निश्चित है और सत्य की जीत निश्चित होती है। और इसलिए जिस प्रकार से माहौल खड़ा किया जा रहा है देश के अंदर, जिस प्रकार से देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले नरेंद्र भाई मोदी ने जो मिशन लिया है भारत माता को पुनः उसी सिरमौर पर बैठाने के लिए, उसी स्थान पर बैठाने के लिए, और जिस प्रकार से भारत दुनिया के ताकतवर राष्ट्रों की कतार में खड़ा हो रहा है, जिस प्रकार की साजिशें हो गई हैं, मुझे ध्यान में आता है वो नरेंद्र भाई मोदी अब अभिमन्यु नहीं है, जिसको